नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जेएसएससी सीजीएल का जिक्र कितना बार किया। इसके साथ साथ बताएंगे प्रधानमंत्री के पूरी रैली को आज जेएमएम ने किस नजरिए से देखा, और क्या जो जेएसएससी ने जो कमेटी बनाई है कि वो जांच कर रही है सबूतों की, क्या जांच आयोग के मेंबर पर खुद जांच चल रहा है, इसका भी खुलासा करेंगे। इसके साथ साथ ये बताएंगे कि क्या जेएसएससी का आंदोलन जो फिर से शुरू हो गया है, क्या वो अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएगा। तो तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। कोर्ट से क्या हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे कहा है कि अगर कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड में सीबीआई को सबूत नहीं सौंपा जाता है तो सीबीआई को जबरदस्ती सबूत लेना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और सीबीआई को लाने के लिए भी क्या कोर्ट में आवेदन दिया जा सकता, जो पीआईएल कर दिया गया, रास्ते कहां कहां पर हैं। वहीं दूसरी ओर जांच आयोग ने क्या जांच रिपोर्ट भी तैयार कर लिया। सोचिए, 90% उसने बोल दिया कि जांच रिपोर्ट तैयार है, सिर्फ हजारीबाग का एक डीसी का रिपोर्ट बाकी है। 24 घंटा में कितना परिवर्तन कर देता है जेएसएससी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो जिनको जांच आयोग में आपने लाया है, अरविंद कुमार लाल जी को पहली दूसरी तीसरी जेपीएससी में, चौथी जेपीएससी में, सीबीआई ने क्या लिखा है। सीबीआई ने लिखा है कि गाय पर रचना लिखने वाले, गाय पर ऐसे लिखने वाले बन गए डीएसपी, वीडियो सचिव, एसडीओ, जहां तक प्रमोशन करके गए। कितने जांच हो रहे आप सोचिए, सीबीआई जांच कर रही है जिसके ऊपर, तो हमारा अब तो एक नया सवाल आ गया कि जिसके ऊपर सीबीआई जांच हो रही है, जिसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का जांच हो रहा है, क्या वो उस अधिकारी को, क्या उस अधिकारी को किसी जांच आयोग का मेंबर अध्यक्ष बनाना सही है, ये पहला सवाल है। तो जांच ही असंवैधानिक हो जा रहा है। आप जो जांच करने की जिम्मा जिसको दिए हैं, वही आपके क्वेश्चन मार्क में है, सचिव महोदय जी। क्योंकि आप देखिए, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आप जांच तो बहुत गलत कर रहे हो ना, आपको थोड़ी को ध्यान देनी चाहिए। दूसरा सवाल कि कोर्ट में ये सारे सबूत अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये कोर्ट में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से इस पर ब्रेक लगेगा। लेकिन उसके पहले छात्र नेताओं से हम अपील करेंगे कि वो सारे सबूत के साथ फिर से एक बार वो आगे आए। इसमें क्या दो मत है, हमारा पूरा मोरल नैतिक समर्थन, फिजिकली समर्थन से लेकर जैसा योगदान चाहेंगे, हम शुरू से बोले और आज भी छात्र नेताओं के साथ हम खड़े रहेंगे। ये पहला। अगला सवाल ये उठ रहा है कि क्या हाई कोर्ट में केस हो गया है इस समय तक, कुछ और पेटिशनर के लिए संभवतः इंतजार कर रहे हैं हमारी जो अन्य शिक्षकों की टीम है, और वो केस फाइल हो जाएगा। पीआईएल वाला पहले हो गया, वो फाइल पीआईएल जो फाइल हुआ है वो हुआ है कि आपने एजेंसी का चयन किए बिना, पुराने के रिपोर्ट को देखे बिना एसआईटी का किस आधार पर एग्जाम आप ले रहे हैं इसको। चौथा चीज, हम ये जांच की मांग करते हैं कि 18 मिनट का सचिव के वीडियो को, सचिव की चीजों को लाइव प्रसारण किया गया, लेकिन टीचर और स्टूडेंट की बातचीत को क्यों जैमर लगा के बिना बताए हुए रोका गया। जब इस पर सवाल, उन्होंने बोला कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप कैसे लाइक कर सकते हो, क्यों कर रहे हो। जब ये सवाल अरविंद कुमार जी ने उठाया तो हमने उसका भी वहीं पर जवाब दिया कि ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। जवाब, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं, आपने परमिशन दिया तो हमने ये लाइव टेलीकास्ट किया, और आपने बीच में लाइव टेलीकास्ट को रुकवाया, अपने साइड की बात बोले, दूसरे साइड की बात को नहीं आपने सुनने दिया किसी को। आप सुनिए। इसके अलावा सर, आप लोगों का कोई और बिंदु है, केवल वही बिंदु रखिए, वही बिंदु रख रहे हैं सर, और शांति से रखिए। इस पांच के अलावा क्या बिंदु है सर, एक मिनट, वही रख रहे हैं सर, वही रख रहे हैं। विनय जी रुकिए ना सर, एक हम बोल रहे हैं ना, विनय सर हम बोल रहे हैं ना, लाइव का सेशन सर, यहां सर से परमिशन लेके ठीक है सर, ये कोई बूस्टिंग सर, स्टूडेंट के पास सर ढेर सारे सबूत है। पहला तो सर ये चीज को है कि जो सबूत जेएसएससी को खोजना चाहिए था वो सर आज हम लोग टीचर और स्टूडेंट मिलकर के खोज रहे हैं। दूसरी चीज सर, सर आपने बोला सुधीर सर, हमने सुना सर, सर जी सर, सर आप
आपने बोला सर, हम लोग सुने, और आपने बोला था जी जब आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे। जी जी सर, सर हम दो तीन सर नए सबूत भी आपको सर जोड़ दे रहे हैं। जो सबूत थे आपके सर, एक सेंटर पर गिरिडीह का सेंटर है सर, और इसमें जब क्वेश्चन पेपर खोला गया जो इन्वेटर थे और सारे लोगों के मौजूदगी में, सर आज हम नए सबूत के साथ भी हैं सर, उसके साथ। हाँ सर दे रहे, सर आपको दे रहे हैं ना सर, लिखित में दे रहे हैं सर। सर आप इसको सुने तो सर, और इसमें सर अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट खुलता है सर, और उसमें पहले से कोई रोल नंबर लिखा हुआ है, और इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंटर की, सर हम पूरी एविडेंस दे रहे हैं। आपके पास सर सीसीटीवी होगा, आप इसको सर चेक कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी सर लड़की के साथ जो बातचीत हुई है अचल कुमारी गिरिडीह की, वो भी सर हम पेन ड्राइव में आपको जमा कर रहे हैं। दूसरी चर्च सर, आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट ने ये लिख करके दिया है सर कि हमारे, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जी सर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैंची से काटा हुआ था और हमको अंदेशा है कि चोरी हुआ है। ये सर सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिकॉर्डिंग बयान है, ऑन द कैमरा है सर, ये सर एक अलग का मामला है। तीसरा सर, जो विशाल सर ने आपको बताया सर, 2 साल पुराना आपके गाइडलाइन में वो भी है कि 2 साल से पहले से का क्वेश्चन नहीं देंगे। सर आपने 2 साल पहले का सारा क्वेश्चन उठा करके दे दिया, मतलब वो भी एक चीज है सर। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, सारी चीज़ों को। उस दिन भी आपसे सर बात हुआ था, सारे टॉपिक पे जो उस दिन आपसे बोले, सारा टॉपिक वही रिपीटेशन हो रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रधानमंत्री की रैली को फ्लॉप बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज पेपर लीक का झारखंड में उदाहरण दे दिया और ये बता दिया कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कि जब यहाँ पर बीजेपी अगर सरकार में आती है तो सभी परीक्षा पर वो सीबीआई जांच करवा देगी, और ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब मुख्यमंत्री इसके लिए लिखित दे दें, जो हमें नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन जी ये देंगे। अगर वो देते तो बहुत बेहतर होता, और ये हमारी डिमांड अभी भी उनसे होगी। अगली बात कि क्या ये आंदोलन में स्टूडेंट पीछे छूट गए हैं? जी नहीं, ये आंदोलन पूरा ओपन है और स्टूडेंट के पक्ष में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव में बहुत बड़ा अगर चेंजिंग हो जाता है तो फिर इसमें एक इस एग्जाम को लेकर के जो सवाल उठ रहा है वो जायज हो जाएगा, और हमें लगता है कि रद्द इस परीक्षा को करना होगा। छात्र नेताओं ने जो आंदोलन का ऐलान किया है, हम उसको पूरा अपना समर्थन दे रहे। सवाल अब ये भी सामने आ रहा है कि जेएसएससी की बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। तो जी हाँ, जेएसएससी की प्लानिंग जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि हर टीचर को मात देता है। उसके पास वो केलेबर है, उनके पास वो पोटेंशियल है, उतने दिमाग लगाए हैं, तो फिर उनके दिमाग को उनके दिमाग से हराना पड़ेगा, तभी जाकर के जीत सक्सेस की ओर जा पाएगा। अब आपको ये बता दें कि अरविंद कुमार लाल जी पर अगर सीबीआई जांच जो सिद्ध हो गया, सीबीआई ने दो दो बार बोला कि हम 64 अधिकारी पर जांच बोले हैं, पेमेंट रोकने तक को सीबीआई ने बोला, लेकिन देखिए ये हमारा सिस्टम की जो लड़ाई हम लोगों की हो रही है, इसी कारण से हो रही है कि आप जांच कर रहे हैं, इधर प्रमोशन हो रहा है, अधिकारी जेपीएससी वाले एसडीओ बन जाते हैं, वहां भी एक जांच बैठ जाता है। सोचिए जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया उनके ऊपर एक नहीं दो दो तीन तीन जांच चल रहा है। इतने जांच होने के बाद भी उन अधिकारी को इस मामले में जांच की जरूरत देने की नहीं थी, क्या अधिकारी की कमी थी? आप देते तो पाक साफ वाले को देते, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खुद में खड़ा कर रहा है, और हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। बाकी जो है जेएसएससी वाले मुद्दे पर, खास करके जो पेपर रद्द होने वाला मुद्दा है, ये आंदोलन स्टूडेंट का जारी है अभी भी। ये आंदोलन का मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ गेट में बैठे उसे ही आंदोलन करते हैं, आप जो बातचीत कर रहे हैं, आपके मन में जो चीजें हैं सोशल मीडिया में लिख रहे हैं।